एनर्जी फर्स्ट था कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ एनर्जी दैन वर्क स्टेट ऑफ एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्री एनर्जी कैलरीज एंड किलो कैलरीज एंड एगोनिकोनिक रिएक्शंस तो फर्स्ट था एनर्जी स्टूडेंट्स तक एनर्जी कवर्स हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं कि किसी भी काम करने की जो ताकत है या सलाहियत है उसके लिए हम कहते हैं एनर्जी एनर्जी है तो हम ये काम करेंगे तो एनर्जी की बाय डेफिनेशन भी यही है एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क किसी काम को करने की जो सलाहियत है एबिलिटी है दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी एनर्जी के साथ रेलिवेंट दूसरी टर्म्स है वर्क की जैसे एनर्जी की डेफिनेशन हम कहते हैं एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क तो इसे वर्क को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली वर्क की डेफिनेशन बायोलॉजी में थोड़ी सी डिफरेंट है फिजिक्स की नस्बत सा हालांकि फिजिक्स भी एक साइंस है फिजिक्स में वर्क कहते हैं कि अगर हम फोर्स को किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करें और वे खास डिस्टेंस तक मूव करें यानी फोर्स प्लस मूवमेंट ये दो चीज़ें अगर होंगी तो हम उसको वर्क कंसिडर करेंगे अगर आप एक ही जगह फोर्स लगाए जा रहे हैं तो उसको वर्क कंसिडर नहीं किया जाता फिजिक्स में बायोलॉजी के अंदर वर्क से मुराद है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जब आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं तो दैट इज एक्चुअली द वर्क जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ मैं खड़ा हूँ लेकिन जब बोल रहा हूँ तो मैं अपनी केमिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी के यानी कि साउंड वेव्स के फॉर्म में जो वो प्रोड्यूस कर रहा हूँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो ये है बेसिकली ये वर्क है तो मैं आपके सामने ये वर्क कर रहा हूँ तो इन बायलॉजिकल लैंग्वेज में फिर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ एक्चुअली द वर्क वर्क का जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज़ द जाउल्स तो जो इसका इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल में है वर्क को हमेशा हम जाउल्स में मैयर करते हैं एनर्जी का भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के अंदर जो यूनिट है वो जाउल्स ही है तो वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जो है वो जाउल्स है स्टेट्स ऑफ एनर्जी एनर्जी को अगर हम देखें बेसिकली दो ब्रॉड मैन ब्रॉड कैटेगरी स्टेट्स ऑफ एनर्जी क्या ली या हम यूँ कह रहे हैं कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी क्या है तो ब्रॉडली एनर्जी दो स्टेट में एग्जिस्ट करती है काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक कहते हैं मूव करने को तो किसी चीज़ की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है जैसे मैं अगर आपको हैंड को मूव कर रहा हूँ ये काइनेटिक एनर्जी है लेकिन अगर किसी चीज़ के अंदर एनर्जी है और वो यानी कि हम फिज़िकली हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल क्लबसी मतलब था हिडन तो हिडन एनर्जी यानी कि जो स्टोर्ड एनर्जी है तो स्टोर्ड एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी तो जितने भी हम पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल में अगर आपको दूं जो हमारा जितना भी फूड है जब हम खुराक खाते हैं हमें उसके अंदर एनर्जी नजर नहीं आती है लेकिन उसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तीसरा से फूड के अंदर जो एनर्जी है बायो मालिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है वो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अच्छा फॉर्म से अब दिया है कि ये अगर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं हम इसको कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जैसे हीट एनर्जी हीट एनर्जी का काम जो होता है वो हीट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी में रोशनी की जो है ये एक लाइट रेडिएशन इसको रेडिएशन भी बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी की टाइप है साउंड वेव्स हैं ये भी हमारे पास एक एनर्जी की टाइप है रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन जो एमिट होती है रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या है कि एक एनर्जी है इससे जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी एनर्जी की एक टाइप है so, एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं जहाँ मैंने चांद एक जो है वो इनलिस्ट की है आपके सामने फ्री एनर्जी अच्छा बायोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट हम जब केमिकल रिएक्शन या मैकेनिज्म स्टडी करते हैं उस पेटर हम यूज करते हैं फ्री एनर्जी अच्छा क्या एक मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी उसको यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता है तो इसका जवाब सिंपल ये है कि नहीं कोई भी मालिक्यूल अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है उसको यूज़ नहीं कर सकता ठीक है तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी जो मालिक्यूल के पास या किसी भी चीज़ के पास जो एनर्जी है उसमें से एक मखसूस पोर्शन वो यूज़ कर सकता है और वो पोर्शन जो एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है उसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी तो फ्री एनर्जी बाय डेफिनेशन भी क्या है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो तो फ्री एनर्जी बेसिकली अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स कि अगर किसी मालिक्यूल के पास सपोज हंड्रेड जॉल्स एनर्जी है लेकिन उस हंड्रेड जॉल्स में से हम सिर्फ फाइव जॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम कहेंगे इस मालिक्यूल के पास फाइव जॉल्स फ्री एनर्जी है तो फ्री एनर्जी इस मराद वो है जो जिससे हम कोई काम ले सकते हैं जिस एनर्जी से एनर्जी को आमतौर पर हम जाउल्स में जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं वो जाउल्स हैं लेकिन जाउल्स के अलावा एनर्जी को कैलरीज में भी मैयर किया जाता है ज़्यादा कॉमन हम इसको कैलरीज में लेते हैं तो कैलरीज को बाई डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर वन ग्राम टेम्परेचर जो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर और वन डिग्री सेंटीग्रेड एक ग्राम वाटर है उसका टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर लेकर जाना है मोस्ट कामनली फोट फोरटीन पॉइंट फाइव से फिफ्टीन पॉइंट फाइव कंसिडर होता है कि अगर फोर्टीन पॉइंट फाइव ते का टेम्परेचर मौजूद है उसको हम फिफ्टीन पॉइंट फाइव पहले जाना चाहते हैं जितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी दैट इज़ कॉल्ड वन कैलरी उसको जब हो एक कैलोरी कहा जाता है अब जो कैलरी है अगर हम इसको देखें तो एक कैलोरी के अंदर फोर पॉइंट वन जाउल्स मौजूद होते हैं जितना कि हम चार शारिया एक जाउल्स कट्ठे हों तो एक कैलरी तो कैलरी एक लार्जर यूनिट है जाउल की नस्बत अब जितनी कैलरीज हम दिन भर में यूज़ करते हैं उनका नंबर अगर हम देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए आमतौर पर जब हम आप डेली रूटीन में जब कैलरीज का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं किलो कैलरीज यानी जो कि कैलरीज बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी यूज़ करता है बर्न करता है एनर्जी को तो आमतौर पर हम फिर एनर्जी को जो मैयर करते हैं तो कैलरीज के बजाय किलो कैलरीज में मैयर करते हैं तो किलो कैलरीज़ की डेफिनेशन क्या होगी कैलरी है एक ग्राम वाटर का टेम्परेचर इनक्रीज़ करना एक डिग्री सेंटीग्रेड तो किलो कैलरी वन किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर अपना इनक्रीज करना है फॉर वन डिग्री सेंटीग्रेड अब अच्छा अगर एक अगर जब आप बाज़ार से कोई भी चीज़ें लेने जाते हैं तो अक्सर उसके ऊपर लिखा होता है थर्टीन कैलरीज ट्वेंटी कैलरीज इस तरह करके लिखा होता है अब ये जो कैलरीज होती हैं अगर आप आपको ओर से पढ़ें तो वो कैपिटल सी से लिखा जाता है अच्छा अगर स्मॉल सी से लिखा गया तो इसको मेरे कैलरी है जो आम कैल कैलरी जो फोर पॉइंट वन जॉल्स के बराबर है लेकिन अगर कैपिटल सी से उसने लिखा हुआ है इट मीन इट इज़ किलो कैलरीज तो कमर्शली किलो कैलरीज लिखने के बजाय वो सिंपल कैपिटल सी से कैलरी लिख देते हैं जिसका मतलब क्या होगा जो वो किलो कैलरीज अगर किसी ने लिखा हुआ है कि थर्टी लेकर आगे सी कैपिटल सी से कैलरी लिखा हुआ है तो इसका मतलब थर्टी किलो कैलरीज एनर्जी इस चीज के अंदर मौजूद है एक्जरगोनिक एंडरगोनिक रिएक्शन तो ये आमतौर पर जब हम हाँ एनर्जी से रिलीवेंट करते हैं तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं बायोकेमिकल जिनके दौरान एनर्जी रिलीज होती है वो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन जिनके दौरान एनर्जी रिलीज होती है दे आर कॉल्ड एग्जर्गोनिक यानी बाहर की एनर्जी बाहर जा रही है एग्जर्गोनिक मतलब है बाहर निकल रही है एनर्जी और एनडरगोनिक रिएक्शन वो हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें एग्जर्गोनिक रिएक्शन ग्णून में एनर्जी इसलिए रिलीज होती है कि जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है अब रिएक्टेंट्स की एनर्जी में से प्रोडक्ट की एनर्जी निकाल दें जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी एक्ज्रगोनिक रिएक्शन होगा मैं सपोज रिएक्टेंट्स की एनर्जी सिक्सटी है प्रोडक्ट की एनर्जी फिफ्टी है तो ज़रा जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट बनाने के लिए फ़िफ्टी एनर्जी चाहिए तो जो टेन एक्स्ट्रा है वो इन्वायरमेंट में निकल जाएगी एग्ज्रगोनिक रिएक्शन होगा एंड्रगोनिक में रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती है प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए इन्वायरमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है ताकि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है उसको पूरा किया जा सके फर्ज करें रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो फिफ्टी है और प्रोडक्ट की एनर्जी सिक्सटी है तो अब जो टेन एनर्जी है ये इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करके क्या किया जाए उसको कम्प्लीट किया जाएगा तो इस तरह से द रिएक्शन आर एग्जोनिक एंड ऑफ द एंड्रगोनिक रिएक्शन